दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने एक खबर छापी थी कि बहुत जल्दी बरेली की धरती पर कदम रखेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, और उनके आने के बाद संभावना भी जताई थी एक बड़ी आंधी चल सकती है और कहीं ना कहीं बरेली में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। ऐसी कुछ खबरें हम समय समय पर आपको देते रहे हैं। आज आए हैं इसी मुद्दे को टटोलने कि प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम कब लगा है, कब संभावना है, और उनके आने के बाद क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या कांग्रेस मजबूत हो सकती है। इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा इस्पाक सकलैनी से, डॉक्टर मेहदी हसन साहब से, इसके अलावा कैंट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के हाजी इस्लाम बप्पू साहब से। कार्यालय में मौजूद है बहुत सारे कांग्रेसी, लगातार चिंतन मंथन और तैयारियों में लगे हुए भी हैं, संभवतः प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम को लेकर। आइए बात करते हैं कांग्रेसियों से और जानते हैं क्या है अगली तैयारी। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए गंभीर न्यूज। हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश आदरणीय सम्मानित बहन प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम, हमारे राष्ट्रीय सचिव जो धीरज गुर्जर जी हैं, जो प्रभारी हैं हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनसे मेरी बातचीत हुई और हम लोग अभी मिलकर आए। बहुत जल्दी प्रियंका गांधी जी यहाँ बरेली आ रही हैं और शायद उन्होंने बताया कि 15 मार्च को लगभग कार्यक्रम उनका शायद कन्फर्म होने जा रहा है और वो यहाँ पर बरेली में तशरीफ ला रही हैं और किसान चौपाल होती है, किसानों का यहाँ बड़ी तादाद में जनता को संबोधित करेंगे। तो हमारी उसी को लेकर हम तैयारी हमारी चालू हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि तमाम जनपद बरेली के किसान आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए पहुँचेंगे, क्योंकि किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है। बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सदन में लड़ाई लड़ रही है और सड़क पर आकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करना। स्थान तय हो गया, स्थान देखने में आज निकल रहा हूँ, उन्होंने 2-3 स्थान देखे लेकिन आज कल तक हम स्थान तय करें। डॉक्टर मेहदी हसन, लग रहा है क्या दीदी के आने के बाद कांग्रेस में फिर और ताकत आएगी? देखिए साहब, सीधे एक स्लोगन है, प्रियंका नहीं आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। ये स्लोगन बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में साबित होने जा रहा है। 2022 का इलेक्शन आपके सामने है और देश की आवाम अच्छी तरह से समझ चुकी है कि किस तरह से नफरत की दीवारें खींचकर हिंदू मुस्लिम को जो है दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहन प्रियंका गांधी जी ने बिगुल फूंक दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह 2022 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हाजी जी, कैंट विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं कांग्रेस के, क्या कहना चाहेंगे दीदी के आने के बाद, क्या ताकत आएगी? अब ताकत तो उनके आने के बाद आई गई है और अब जिस तरह से उनके उत्तर प्रदेश के अंदर दौरे हो रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैंने तो अपने जितने भी होर्डिंग बैनर बनवाए हैं उस पर सब पे ये लिख ही दिया कि अब की बार कांग्रेस सरकार, और मैं समझता हूँ अब की बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरी उम्मीद है, बहन जी को देख करके लोग हर जगह बहुत खुश हैं और अपने आप ही लोग जुड़ रहे हैं।